लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाके कह दे अपने ठेकेदार से, जो संतों का घर खाली कराएगा ना, संतो उसे जिंदा नहीं रहने देगी। क्या रखा है इस घर में संतो रानी? चल मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। तुम्हारे घर जाए संतो की जूती, चला जा हरामखोर, वरना इसी डंडे पर बिठा के आसमान की सैर करा दूंगी। अरे कालू, क्यों खंबे से सर मारते हो? तो बेचने माता धर्मो, ये घर ठेकेदार के पास गिरवी है, मयाद पूरी हो चुकी है और मैं ये घर खाली करवाने आया हूं। क्यों रे, हमारी माँ की हवेली खाली करा के तेरे ठेकेदार का मन नहीं भरा क्या? अब सारा गांव खाली कराना चाहते हो क्या? वो सब हमें नहीं मालूम, निकला सामान बाहर। अरे जो सामान को हाथ लगाएगा उसके क्रियाकर्म का समान हो जाएगा। हाँ मारा साले। गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों की बिना पर ये अदालत मुलजिम धर्मू, राम सिंह, कालू, बिश्ना और सुखदेव को मुजरम करार देती है और सबको 500 रुपया जुर्माना करती है। जुर्माने की रकम ना अदा करने की सूरत में सबको 1-1 महीने की कैद का हुक्म देती है। अपने आदमियों का जुर्माना भर के उन्हें छुड़ा लीजिए। बहुत अच्छा मालिक। कॉल के रख बे। अरे 61-62 ये जरा लॉन्ड्री में दे देना। हाँ उसको बोलना बराबर कलर विलप लगा के रखे, मैं फिर आने वाला हूँ। सचमुच तुम्हें नसीहत देने से कोई फायदा नहीं। तुम जितनी बार यहाँ ये कहकर गए हो कि मैं दोबारा इस जेल में नहीं आऊंगा, उसे दुगनी बार आ चुके हो। अब सरकार इस बार तुम्हें आखिरी मौका देती है। अंदर आने का नहीं, हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाने का। हो सकता है इस शहर के माहौल से दूर रहकर, अपने साथियों से दूर रहकर तुम कुछ सीख सको, एक नेक इंसान बन सको, इसलिए सरकार तुम्हें। समझ गया। मतलब ये कि सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया, साफ लफ्जों में यही बात है ना? ठीक है साहब, चलता हूँ। जब अपना घर ही घर नहीं तो दुनिया की कौन सी जगह अपनी है? तेरी दुनिया से चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चलो। कहाँ चलें? तड़ी पार। अरे वो कौन सी जगह है? बस तू घोड़े को चाबुक मार, जहाँ तेरा घोड़ा दम तोड़ेगा हम सीट छोड़ेगा। अरे हमको एक बार इंस्पेक्टर बन जाने दो, फिर देखो तुम दोनों को ऐश कराता हूँ। सब ऐसे कहते हैं और कुर्सी पर बैठते ही तेवर बदल जाते हैं। अरे नहीं भाई, हम हैं हवलदार बीए तलवार नंबर 204। हम अपने नीचे वालों का ख्याल रखते हैं। आई हवलदार साहब, कब से लगी है? 4 साल। 4 साल खा के सरकार का माल, मोटे हो गए हैं तेरे गाल। कहाँ इंस्पेक्टर किशनलाल? जी साहब अंदर है। तो अंदर कब जा रहा है? जी मैं क्यों अंदर जाऊं? अबे अंदर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर। क्या वो हमारी दो फीते हैं? 204।
ये क्या शोर मचा रखा है? जी साहब। हेलो इंस्पेक्टर। कहिए। कहने के लिए आया हूँ, बहुत कुछ कहने के लिए। सर लगता है डिप्टी साहब है, शहर से आए हैं। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चाय लाओ। नहीं नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है साहब, स्पेशल चाय लाओ। हाँ स्पेशल है तो फिर ले आना। और सुनो, इधर आओ जी। खाली पेट पे चाय पीने से गैस बढ़ जाती है, तो एक काम करना, खाने चबाने के लिए कुछ बिस्कुट भी ले आना। जी। अरे सुनो, बिस्कुट नहीं, केक, केक लेकर आना। केक लेकर आओ। हाँ जाओ जाओ। और लड्डू, लड्डू लाना। आइए साहब, तशरीफ लाइए। स्पेशल चाय, केक और लड्डू लाओ। खाने में दावत है साहब? अरे दावत नहीं, डिप्टी साहब आए। डिप्टी साहब, अब किशन लाल की हो जाएगी छुट्टी और मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बी ए तलवार। आप पहले कहाँ थे? जेल में। अच्छा तो आप जेलर साहब हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वो आपकी कुर्सी है, आप बैठिए। तो इधर बैठिए। मैं यहाँ बैठूंगा। चलिए। अरे 204 चाय जल्दी लाओ। ला ला मुझे दे लीजिए। आप कौन से? आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? आप कौन सी जेल में थे? जेलों का क्या है साहब, एक जैसी लगती है, कोई फर्क नहीं। दरअसल आना जाना बहुत रहता है ना, अंदर बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर। मीठा तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। केक लीजिए डिप्टी साहब। डिप्टी साहब? जी हाँ। नहीं नहीं, डिप्टी साहब नहीं हूँ मैं। आप डिप्टी साहब नहीं? ना, ना ना ना। तो आप फिर और भी। चक्रधारी, चक्रधारी, तड़ी पार, तड़ी पार। चाय रख दो। ग्लास भी? ग्लास भी। केक भी रख दो। वो बिस्किट। खड़े हो जाओ। वो क्या है, जब हमारी सजा खत्म हो गई शहर में, तो उन्होंने कहा था शहर में रहने का हुक्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ चले आए। 204। जी सर। इसका नाम पता लिखो। जी। मैं चाय पी लूं, ठंडी हो जाएगी। नहीं। नाम बोलो। चक्रधारी। ठिकाना? चंदनपुर पुलिस स्टेशन, मार्फत इंस्पेक्टर किशन लाल जी। लेकिन मार्फत इंस्पेक्टर किशन लाल कैसे? देखिए, इस गांव में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता, और फिर आप आदमी भी बढ़िया हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। लेकिन अगर इस कस्बे में रहना है तो पुराने चक्कर छोड़ने पड़ेंगे। जी। सुबह शाम पुलिस स्टेशन में हाजिरी भरनी होगी और एक गुड सिटीजन बन के रहना होगा। कौन सी अन बन के रहना होगा? शरीफ सहरी। हाँ, गुड सिटीजन। तो फिर इस गुड सिटीजन को पेट भर खाना खाने का हक है नहीं? बिल्कुल। और पेट भर खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे के लिए नौकरी चाहिए, कहाँ मिलेगी? नौकरी चाहिए तो जंगल के ठेकेदार के पास जाओ। ये 20 रुपए तू ले ले अपने खून पसीना की मजदूरी, 10 मैं रख लेता हूँ। चल चल बे चंदू, आ जा आ जा। ये तेरे हुए 20 रुपए, 15 तू ले जा, ये 5 मैं रख लेता हूँ। खरा हिसाब? अरे तू तो काम ही ना करे रघु, तुझे क्या दूं? दो वक्त की रोटी दे दो, सेहत बन जाएगी बेचारे की। आप कौन साहब हैं? हिसाब किताब बराबर है? बराबर है जी, बराबर है। क्यों मनीम जी, बराबर है ना? एकदम बराबर है। तो जाओ तो फिर। तू कौन होता है? अरे तू चुप बैठ, देखता नहीं है क्या बढ़िया लिबास पहन रखा है? शहर से है, शहर से। बैठिए बैठिए साहब, यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। लगता है आप सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर हैं। इसीलिए तो हमने उसको भागते हुए नहीं देखा फाइलों के साथ। वो तो पेशाब करने गया है जी, पेशाब। हमारी डिपार्टमेंट को देखकर बड़े बड़ों का निकल जाता है, हमारा भी निकल गया था लगभग। हजूर, आपने अगर पहले इतला कर दी होती तो मैं ठेकेदार से कह के आपकी सेवा में जीप भिजवा देता। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। किस्नू ने भी हमसे कहा था जीप भेजने के लिए, लेकिन हमने ना कर दी। किस्नू कौन? किस्नू अपना इंस्पेक्टर किशन लाल। मारे गांव के कोतवाल। अच्छे आदमी है वो, हमारे रिश्तेदार हैं वो। हमारे मामा के भाई के भांजे के भतीजे के छोटे मामा के बड़े ताए के बहन के साले हैं वो। रिश्ता जरा दूर का है, लेकिन इज्जत नजदीक करते हैं वो। बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं दबा दूंगा, मैं दबा दूंगा। तू बैठ रहे, बैठ रहे, मैं दबा दूंगा। लेकिन अगर ठेकेदार साहब को मालूम पड़ गया कि आप मजदूरों की मजदूरी से आधा हिस्सा ले लेते हैं, तो क्या कहेंगे वो? उन्हें कैसे मालूम पड़ सकता है, थोड़ी बताएंगे आप। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मेरी जबान जो है ना, कभी कभी फिसल जाती है। ये रुकती कैसे? ये रुकती है सिर्फ पैसों को।
आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप एक काम कीजिए, हमारे लिए किसी टेंट में एक चारपाई सी बिछा दीजिए अच्छी सी, और जब खाना लग जाए तो हमको जगा दीजिए। मैं सब इंतजाम करता हूँ जी। जल्दी जल्दी, खबर ना देना। नहीं नहीं, काटेगा। तो तू आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं मैनेजर साहब का लड़का हूँ। लगता तो नहीं। क्या शायद हो? हाँ, आप मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे? हाँ, शक्ल काफी मिलती है आपकी, धन्यवाद आपकी माता जी के। खैर, अब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं तो जाहिर है आपको मालूम होगा कि यहाँ हराम की कमाई कहाँ खर्च हो सकती है। तुम्हारे लिए खबर है, बाद में। ये है तोड़ू, ये है फोड़ू। बैठो बैठो। तोड़ू 2 साल से जेल से फरार है और इसके सर पे 2000 रुपए इनाम है। जय जय। और इनके टकले पे आ जा, इनके सर पे कितना इनाम है? 3000 रुपया। 3000, 2000, 5000। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? टाइम बहुत हो गया, पत्ते बांटिए। बांटो। एक बंद। एक और। पैक पैक। ज्यादा की है, 5 में रख रहा हूं। इसका मतलब है कैश कैश बंद। अभी हम लोग सामान सामान से खेलेंगे। हाँ, तो ये आपका सामान 5000 रुपए का, ठीक है? और हमारा सामान भी अभी आएगा 5000 रुपए का। नाराज मत होइए, सरकार कैश पार्टी है। जैसे आप दोनों को बंद करवाएंगे ना, 5000 रुपए मिल जाएंगे आपको। अब आप दिखाते हैं या मैं दिखाऊं? तू क्या दिखाएगा, मैं तुझे दिखाता हूं। हाँ, एक मिनट उस्ताद जी, मैं जरा माल बटोर दूं। भाई साहब देखिए, इसको मैंने मारा 2000 भाव, इसको मारा 3000 भाव। तेरा कोई भाव नहीं, तेरे को मारूंगा तेरा भाव बढ़ जाएगा। अब मैं तेरे साथ नहीं खेलता हूँ। कट्टी। मैंने तेरे को बोला था ना, नहीं खेलने का है, नहीं खेलने का। भाई